सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक और नए आईपीओ के बारे में। कंपनी का नाम है राजेश्वरी कैंस लिमिटेड। तो कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन और आईपीओ की ऑफिशियल डेट्स एंड डिटेल्स की जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी किस चीज़ से रिलेटेड बिजनेस करती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। वी आर मैन्युफैक्चरिंग राउंड प्रिंटेड टिन कंटेनर्स ऑफ वेरियस साइज टू बी यूज फॉर पैकिंग ऑफ टोबैको एंड स्टफ। तो आपको बता दें कि जो टिन के छोटे छोटे कैंस आते हैं जिनमें आप कभी कभी घी भी खरीदते होंगे और टोबैको रखने के लिए भी यूज होते हैं और भी बहुत सारी चीजें रखने के लिए यूज होते हैं, तो वो ये कंटेनर बनाने का काम ये कंपनी करती है और तरह तरह की कंपनियों से ऑर्डर लेती है और उनके लिए कंटेनर ये प्रोवाइड करती है। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा राजेश्वरी कैंस, तो ये कैन बनाने का काम ये कंपनी करती है। तो इस तरीके का बिजनेस है इस कंपनी का। वहीं फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, टोटल एसेट्स वैल्यू, टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको दिखेगी वो लाख में दिखेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, यानी एक एक साल के नंबर्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 मार्च 2018 को इनका जो एसेट वैल्यू था 1160 लाख के करीब था, वहीं ये बढ़कर 1322 लाख के करीब 31 मार्च 2019 को जाता है, वहीं 31 मार्च 2020 को 1234 लाख के करीब होता हुआ नजर आता है। यानी कि यहां पर तो बढ़ोतरी देखने को मिली लेकिन यहां पर थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। अब देखिए अभी करंट के नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हो सकता है इसमें और ज्यादा गिरावट आई हो, क्योंकि देखिए जो इस तरीके की चीजें हैं टोबैको वाली चीजें हैं या जो इस तरीके के कंटेनर में बिकती हैं तो वो तो काफी ज्यादा कम हो गई थी कोरोना के टाइम पे, तो हो सकता है इस कंपनी को और ज्यादा लॉस होता हुआ नजर आया हो। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 1849 लाख का रेवेन्यू इनका 2018 में था, 2019 में बात करें तो 2132 लाख का था, वहीं 31 मार्च 2020 की बात करें तो 2209 लाख के करीब हुआ। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो 11 लाख का प्रॉफिट के करीब इनका 2018 में, 15 लाख के करीब प्रॉफिट इनका 2019 में, और करीब 19 लाख के करीब प्रॉफिट इनका 31 मार्च 2020 तक हुआ, यानी कि कोरोना के जस्ट पहले। अब देखिए करंट के नंबर देखना बहुत ही जरूरी होगा, तो इसको आप लोग जरूर देखें अगर इस आईपीओ में आप कुछ भी करते हैं। वहीं आईपीओ के डिटेल की अगर हम बात करें तो 31 मार्च 2021 से ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है अप्लाई करने के लिए। वहीं बात करें लास्ट डेट की तो अप्रैल 6 यानी 6 अप्रैल को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, और ये फिक्स प्राइस इशू है, फेस वैल्यू ₹10 प्रति इक्विटी शेयर यहाँ पर रखी गई है। आईपीओ प्राइस की बात करें तो ₹20 प्रति इक्विटी शेयर आपको यहाँ पर शेयर दिया जाएगा। लॉट साइज की बात करें तो 6000 शेयर्स का एक लॉट बनाया गया है और आप मिनिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बीएससी एसएमई में आईपीओ लिस्ट होगा। वहीं इशू साइज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20,16,000 शेयर्स मार्केट में ट्रेड करने के आएंगे, जिनकी टोटल वैल्यू 4.03 करोड़ के करीब यहां पर होने वाली है, यानी कि इतने करोड़ की ये वैल्यू रहेगी। अगर हम लॉट साइज की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 6000 शेयर्स आएंगे और जिसके लिए आपको 1,20,000 रुपए के आसपास पे करना होगा। वहीं मैक्सिमम लॉट भी आप एक ही कर सकते हैं और रिटेल कैटेगरी में, वहीं 6000 शेयर्स मिलेंगे और 1,20,000 रुपए जिसको आपको चुकाने होंगे। तो देखिए ये एसएमई आईपीओ है ना, तो इसलिए अभी बहुत सारे आईपीओज मार्केट में आ रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, क्योंकि देखिए बहुत ही नई कंपनी है और बहुत ही अलग तरीके का इसका बिजनेस है। इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम तो आप भूल ही जाइए, इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम ऐसे शेयरों में मुश्किल ही होता है कि आपको आधा पैसा या 25 पैसा के करीब मिल जाए, तो नहीं मिलता है मैक्सिमम टाइम। और देखिए इन शेयरों का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कम होता है, क्योंकि देखिए वॉल्यूम्स के लिए शेयर होना बहुत जरूरी है, और शेयर आप देख रहे हैं मात्र 20 लाख शेयर यहां पर मार्केट में ट्रेड करने के लिए आने वाले हैं, तो यहां पर वॉल्यूम्स के लिए शेयर्स की कमी होगी। और ऑब्वियसली ये एसएमई में लिस्ट हो रहा है तो आपको यहां पर लिस्टिंग गेन तो भूल ही जाइए। तो देखिए बहुत सारे आईपीओज आए हुए हैं, आप उसमें अप्लाई करें। मैं आपके लिए वीडियो इसलिए बनाता हूं क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सी कंपनी लिस्ट हो रही है, कंपनी क्या करती है। देखिए मार्केट में प्राइस एक अलग चीज है, कंपनी का नॉलेज एक अलग चीज है, क्योंकि जब आप
आप किसी शेयर को देखते हैं तो आप उसमें सबसे पहले प्राइस देखते हैं, फिर देखते हैं अच्छा कंपनी क्या करती है, उसके बाद कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का आगे का फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें आप पता करते हैं। तो धीरे धीरे जब आप शेयर मार्केट में हर चीज़ सुनते रहते हैं ना तो आपको पता चलता रहता है। आप जैसे मैंने इस कंपनी के बारे में बताया, कभी भी आपको कोई भी पूछेगा तो आप बोल सकते हो कि भाई हाँ ये कंपनी लिस्ट हुई थी और SME में लिस्ट हुई थी। अगर देखिए मैं आपको SME IPO के बारे में नहीं बताऊं तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि SME IPOs होते क्या हैं। तो देखिए मैं आपको इसीलिए सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी SME IPO में मेरा कभी ऐसा मत नहीं रहता है कि आप लोग निवेश करें। मैं तो यही बोलता हूँ कि जो छोटे निवेशक हैं, रिटेल निवेशक हैं, जो हमारे मैक्सिमम रिटेल निवेशक हैं जो अपनी एक लिमिटेड कैपिटल के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको कभी इस IPO में अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपका बहुत ही खून पसीने का पैसा है और आप ऐसे ही किसी भी शेयर में पैसा नहीं लगा सकते। आपको किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले काफ़ी ज़्यादा छानबीन करनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। तो मेरा कभी भी उद्देश्य नहीं रहता है कि आप इस IPO में पैसा लगाएं। अब जिसके पास खूब सारा पैसा है और उनको ये IPOs पसंद आ जाते हैं तो वो अपने हिसाब से एक्शन ले सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करके इन IPOs में अप्लाई कर सकते हैं। मेरा पर्सनल मत, मैं कभी इसमें अप्लाई नहीं करता, ना मैं किसी को सलाह देता हूँ कि आप SME IPO में अप्लाई करें, लेकिन केवल और केवल आपकी जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि कौन सा IPO कब ओपन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या चीज़ है, कंपनी क्या करती है, तो सब आपको नॉलेज होना चाहिए। केवल और केवल इतने के लिए मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।